दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक और पोएम करेंगे। पोएम है इलेक्शन पोएम, जो कि सीताकांत महापात्रा जी ने लिखी है। ठीक है, तो हम लोग पोएम के टेक्स्ट पाने से पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सीताकांत महापात्रा जी 1937 में पैदा हुए थे, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं। 1961 में ये आईएएस सर्विस इन्होंने ज्वाइन करी। ये ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट रैंक पे आए थे देखा जाए तो, और उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे जिसने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। तो 34 साल ये आईएएस ऑफिसर, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न पदों पर रहे। ठीक है, भारत के बड़े बड़े उच्च पदों पर रहे, पोएट रहे हैं, एसेइस्ट रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं। ठीक है, इनके कई बहुत ही नोटेबल वर्क्स, जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं, एक तो सफदरजंग 1971 में आया ये, इसका मतलब इंग्लिश में बोल सकते हैं स्काई ऑफ वर्ड्स। ठीक है, समुद्र 1977 में, एंड अनेक शरत 1981 में। ठीक है, मतलब बेसिकली उड़िया लैंग्वेज में इन्होंने काफी कुछ लिखा है और इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया है। ठीक है, और इन्होंने 1977 में, इनको मतलब इनके जो कार्य हैं इनके लिए इनको 1974 में, सॉरी 1974 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। बेसिकली इनका जो उड़िया पोएट्री कलेक्शन था, मतलब उड़ीसा भाषा में, उड़िया जो भाषा है उसमें पोएट्री कलेक्शन निकला, ये जो सफदर अक्षर द स्काई ऑफ वर्ड्स जो 1971 में जो ये आया था ना, इसके लिए इनको 1974 में, 1974 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, साथ में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको 1993 में लिटरेचर में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। 2002 में पद्म भूषण और 2011 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिल चुका है, कबीर सम्मान मिल चुका है, और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी रहे हैं सीताकांत महापात्रा जी। ठीक है, तो ये ऑथर का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि ये किस तरह के पर्सनैलिटी रहे हैं। अब हम इनके पोएम पे आएंगे, जो कि है इलेक्शन यानी चुनाव। बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई पोएम है, और बेसिकली हम देख सकते हैं तो पोएम में है ना, उन्होंने रियलिटी बताई है कि इंडिया में इलेक्शंस जब होते हैं तो लोगों को भी रियलिटी पता होती है, परंतु वो वोट एंड में मजबूर होके किस बेसिस पे डालते हैं। ठीक है, पोयम बहुत अच्छी है, और क्योंकि पोयम एक्चुअल में उन्होंने उस जमाने में उड़ीसा की जो कंडीशन थी ना, वहां पे इलेक्शंस के दौरान क्या होता था, उस चीज को जाहिर किया है। उड़ीसा की कंडीशन काफी खराब हुआ करती थी उस टाइम पे, तो वहां की कंडीशन के हिसाब से उन्होंने बताया है। तो देखो, पोयम स्टार्ट होती है, और पोयम जो लिखी गई है पूरी, वो लिखी गई है कि जो लोग इलेक्शन रैलीज में आते हैं, यानी प्रचार करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। वो बोल रहे हैं इस पोएम में, वो बोल रहे हैं आम जनता के लिए। ठीक है, तो देखो किस तरह से स्टार्ट होती है। आवर जीप क्रॉल्स टू योर विलेज, हमारी जीप तुम्हारे गांव में रेंगते हुए आती है, मतलब धीरे धीरे चलते हुए आती है, क्योंकि जनरली जो रैलीज होती है वो स्लो 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 चलती है, तो ये क्रॉल्स मतलब रेंगना, जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है ना वैसे, तो धीरे धीरे चलते हुए तुम्हारे गांव में आती है हमारी जीप, सीकिंग स्ट्रेंज मेलेडीज फ्रॉम द रोरिंग सन। किस उम्मीद में? सीकिंग, होपिंग, इस उम्मीद में, होप करते हुए, स्ट्रेंज मेलेडीज कि यहाँ पे अलग अलग नारे सुनाई देंगे। मेलेडीज का मतलब ऐसे गाना होता है, परंतु यहाँ गाना नहीं है, इसका मतलब है नारे सुनाई देंगे, क्योंकि ऐसी रैलीज में नारे लगते हैं। इस उम्मीद में कि हमें नारे सुनाई देंगे फ्रॉम द रोरिंग सन, इस गरजते हुए सूरज के नीचे। गरजते हुए सूरज का मतलब क्या है? सूरज थोड़ी ना गरज रहा है, हीट पड़ रही है, दोपहरी गर्मी पड़ रही है, उसके लिए बोला गया रोरिंग सन, गरजता हुआ सूरज। ठीक है, तो आर जीप क्रॉल्स टू विलेज, हमारी जीप तुम्हारे गांव में रेंगते हुए धीरे धीरे चलती आती है, इस उम्मीद में कि यहाँ पे हमें नारे सुनाई देंगे, इस मतलब धूप में भी, इस चिलचिलाती धूप में, तेज पड़ती धूप में भी हमको पॉलिटिकल नारे सुनाई देंगे, परंतु एक्चुअल में सुनाई क्या देता है? द कॉमन बिल फ्रॉम द क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री ऑफ प्राइवेट एग्नीज। कि क्या समस्या, क्या समझ में, मतलब क्या सुनाई देता है उन लोगों को, वहां का क्या सुनने को मिलता है, सुनना मिलता है उनको द कॉमन बिल, एक आम इच्छा, फ्रॉम द क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री, पूरे इलाके में से। क्रिस क्रॉस ज्योमेट्री का मतलब होल रीजन की बात हो रही है, टेढ़ा मेढ़ा पूरा जो इलाका है उसमें, ऑफ प्राइवेट एग्नीज मतलब पर्सनल दुखों से भरी हुई इच्छाएं। मतलब वो लोग बेसिकली उम्मीद कर रहे होते हैं कि भाई हमको यहाँ पे हमारे सम्मान में नारे लगेंगे, वो लगेंगे, परंतु उनको वहां जनता से समस्याएं सुनने को मिलती है कि हम कितने ज्यादा परेशान हैं। प्राइवेट एग्नीज, उनकी पर्सनल दुख, उस पूरे इलाके में
जनता अपनी इच्छाएं बता रही है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ क्या है, रोटी कपड़ा मकान पानी बिजली, ये इनकी इच्छाएं बता रही हैं और पर्सनल प्रॉब्लम्स बता रही हैं, ये सुनने को मिलता है उनको। तो बताते हैं हमको ये सब सुनने को मिलता है। अब क्योंकि देखो ये जो पूरी पोयम है ना, इसमें जैसे मैंने बोला कि जो लोग प्रचार करने आ रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से, कि वो लोग क्या देखते हैं, हम क्या करने आए हैं, हमको क्या देखने को मिलता है, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है, परंतु उसमें रियलिटी उजागर की जा रही है। अब देखो रियलिटी कैसे उजागर, आगे देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। आर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू, हमारी काली इच्छाएं, डार्क लॉन्गिंग्स, अब वो खुद की इच्छाओं को काली बता रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है प्रचार करने वालों को कि हम लोग गलत हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ स्वार्थ के लिए आते हैं, बाद में हम अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं बिल्कुल भी। वोट मांगने आएंगे, काम हो गया, जयराम जी की दोबारा यहाँ कभी नहीं आना लौट के, समझ गए बिल्कुल। तो आवर डार्क लॉन्गिंग्स डोंट टच यू, हमारी काली इच्छाएं आपके दिल को नहीं छूती हैं, ये हमको पता है। नॉर आवर ट्रैपिंग्स, ना ही हमारे जो जाल है, ये कौन से जाल, पोस्टर्स के, सिंबल्स के, भाषणों के, हैंडबिल्स, पर्चों के, मतलब पर्चे बांटते हैं, भाषण देते हैं, जगह जगह हमने हमारी पार्टी के सिंबल्स चिन्ह लगा रखे हैं, पोस्टर चिपका रखे हैं हमारे नेताओं के, ये चीजें आपको नहीं लुभाती हैं। फॉर योर ग्रीफ आउट लिव्स एम्पायर, क्योंकि आपके दुख तो साम्राज्य से भी बड़े हैं, मतलब आपके पर्सनल दुख इतने बड़े हैं कि ये छोटी मोटी चीजें आपको नहीं लुभाती है, हमको पता है, पर फिर भी हम ये सब करते हैं। मतलब वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि हमारी काली इच्छाएं भी आपको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं आपके सामने, हम कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए नहीं, हम यहाँ वोट मांगने आए हैं, और हम आपसे वादे करके जाएंगे कि भैया हम आपके लिए वो कर देंगे, ये कर देंगे, परंतु आपको भी पता है कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और आप हमारे इन जो दिखावे की चीजें हैं, पोस्टर, सिंबल, स्पीचेस, हैंडबिल्स, इनके चक्कर में भी नहीं आते हो, क्योंकि आपके जो दुख हैं वो इतने बड़े हैं कि वो इस देश, इस साम्राज्य से भी बड़े हैं बेसिकली, मतलब वो इतने बड़े दुख हैं कि उनको हम भर नहीं सकते, उन दुखों को, उनको मिटा नहीं सकते, हमारे बस की बाहर है, मतलब ऐसा वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन अवेकन इन योर हार्ट एज यू डिसन म्यूटेड एलिग्रीज ऑन आवर एशन फेसेस, कि कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन, कोल्ड का मतलब होता है शांत पड़ चुका हो, बेसिकली इमोशनलेस, वैसा यहाँ पे है कोल्ड का मतलब जिसकी मौत हो गई हो। द कोल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि जो पोता या पोती ठंडा पड़ चुका है, यानी कि खत्म हो गया है, अवेकन इन योर हार्ट, वो आपके दिल में दोबारा जाग जाता है, यानी आपको दोबारा याद आ जाता है जब भी मतलब आप लोग हमें देखते हैं, जब हम प्रचार प्रसार करने आते हैं, तो आप लोगों को अपने वो पोता पोती जो खत्म हो चुके हैं, क्यों खत्म हो गए, भूख के मारे खत्म हो गए। उस जमाने में उड़ीसा कंडीशन मैंने बोला था बहुत खराब थी, भुखमरी फैली हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था, बहुत से लोग खत्म हो गए, तो उसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि आपको अपने पोता पोती याद आ जाते हैं, आपके दिल में वो दोबारा जग जाते हैं, आपको याद आ जाते हैं क्योंकि वो भूख से खत्म हो गए थे। जब भी आप हमारी शक्ल देखते हो तो आपको वो याद आ जाते हैं कि हम लोग उस वक्त नहीं आए जब वो मर रहे थे, उस वक्त हम आपकी हेल्प के लिए नहीं आए, इसलिए आपको वो याद आ जाते हैं। एज यू डिसर्न म्यूटेड एलिगरीज ऑन आवर एशन फेसेस, क्योंकि आप पहचान जाते हो म्यूटेड एलिगरीज, यानी असलियत पहचान जाते हो, एलिगरी होती है कि भाई जो दिख रहा है वैसे नहीं, मतलब मीनिंग कुछ और है, तो आपको हमारी असलियत, म्यूटेड एलिगरीज मतलब हम जो हमारी असलियत छुपी हुई है, म्यूटेड यानी चुपचाप शांत, यानी जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे इरादे हैं, जो छुपे हुए हैं, वो आपको साफ साफ नजर आ जाते हैं। ऑन आवर एशन फेसेस, हमारे मिट्टी से भरे हुए फेसेस, मिट्टी से कैसे भरे हुए, क्योंकि वो गांव गांव घूम रहे हैं ना खुले में, क्योंकि जनरली प्रचार करते हैं तो खुले में घूमते हैं, तो धूल मिट्टी उड़ती है, चेहरे पे धूल मिट्टी लगी हुई है, तो ऑन आवर एशन फेसेस, हमारे चेहरे पे जो राख लगी हुई है, तो राख का मतलब मिट्टी, यहाँ पे तो मिट्टी से भरे हुए इस चेहरे पे, जो इस चेहरे पे जो असलियत है, जो हमारे इरादे हैं, जो हमने इस चेहरे के पीछे छुपा रखे हैं, आप वो सब देख पाते हो, आपको वो सब नजर आ रहे हैं, और आप लोग पहचान रहे हो, मतलब कि हम लोग उस वक्त नहीं आए थे जब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन खत्म हो रहे थे भूख से, उस वक्त हम आए नहीं, हम अब आए हैं, तो आपको हमारे इरादे सब बिल्कुल ढंग से पता है कि हम क्यों आए हैं। हेयर द ग्रेट परसुएडर्स आर लिटिल थिंग्स एंड नॉट सो हिडन, चीप प्लास्टिक, चीपर नायलॉन, डार्क ग्लासेस टू ब्लॉट आउट द सन, बोलते हैं देखो, हेयर द ग्रेट परसुएडर्स, ग्रेट परसुएडर्स कौन से, जो लोग ये प्रचार करने वाले आए हैं, ये जो मनाने आए हैं, आर लिटिल थिंग्स, वो छोटी छोटी चीजें लेके आए हैं, एंड नॉट सो हिडन, जो कि इनसे छुपी हुई भी नहीं है कि क्या देने आए हैं हमको, चीप प्लास्टिक, सस्ते प्लास्टिक की चीजें, चीपर नायलॉन, सस्ते कपड़े, डार्क ग्लासेस, कुछ चश्मे टू ब्लॉट आउट द सन, धूप से बचने के लिए, मतलब देखो
जिन लोगों के दुख इतने बड़े हैं कि उनके बच्चे खत्म हो गए, है ना, उनकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा है, उनको ये लोग ये देने आए कुछ प्लास्टिक की चीजें, खिलौने चीजें ले लो, सामान कुछ कपड़े ले लो, है ना, ये लालच, ये लोभ देने आए हैं, ये कुछ चश्मे ले लो, है ना, ये सब देने आए हैं कि ग्रेट पर्सुएडर्स, ये महान लोग जो हमें मनाने आए हैं, मतलब बेसिकली वो खुद की बात कर रहे हैं कि हम ग्रेट पर्सुएडर्स, आप लोग के लिए सब चीजें लाए हैं, आपको पता है और आप लोग से छुपी नहीं है, आपको पता है कि हम ये क्यों लाए हैं, ये नॉट सो हिडन, ये आपसे छुपा नहीं है कि प्लास्टिक की चीजें, ये कपड़े, सस्ती चीजें हम जो लाए हैं आप लोग के लिए ये क्यों लाए, आप लोग भी रियलिटी जानते हो। विद वन फुट इन हंगर एंड द अदर इन द सोल यू मेक योर डिसीजन। आपका एक पैर तो भूख में डूबा हुआ है और दूसरा पैर आपकी आत्मा में। यू मेक योर डिसीजन, और फिर आप ये सब सोच के आप अपना खुद का डिसीजन लेते हो। क्या बोलना चाह रहा है राइटर? बोलना चाह रहा है कि आप भूखे जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप भूख से गुजर रहे हो, आप लोग के पास खाना नहीं है। एंड द अदर इन द सोल, यानी एक पैर तो भूख में पड़ा हुआ है ना, एक तरफ तो आपकी हालत तो भूख से खराब है और दूसरी तरफ आप अपनी आत्मा को भी मार रहे हो। क्यों? यू मेक योर डिसीजन, क्योंकि आप अपना डिसीजन ले चुके हो। आप लोग इन छोटी चीजों के लोभ लालच में आके हमको वोट दोबारा देने वाले हो। मतलब आप लोगों को ये रियलिटी पता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आप वोट हमको ही दोगे। यू मेक योर डिसीजन, आपका डिसीजन, आप ये डिसीजन लेते हो कि आप अपनी आत्मा को मार रहे हो। आपको एक तरफ तो ये पता है कि आपको सही क्या करना चाहिए और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, ये दोनों चीजें, मतलब यही तो होता है। मतलब हम लोगों को ये भी रियलिटी पता होती है कि ये लोग हमारे लिए कितना कुछ करेंगे, क्या क्या करेंगे, उसके बावजूद भी हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं। कि विद वन फुट इन हंगर, एक तरफ आपका पैर भूख में पड़ा हुआ है, मतलब एक तरफ आप भूख से बेहाल है, एंड अदर इन द सोल, और दूसरी तरफ आप अपनी आत्मा को भी मार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी आत्मा को मार रहे हो, आपको पता है कि आप गलत लोगों को वोट दे रहे हो और फिर भी आप हमको वोट देते हो। यू मेक योर डिसीजन, फिर भी आप अपना डिसीजन ले चुके हो और आपका डिसीजन क्या है कि आप हम ही को वोट दो। तो ये है पोएम इलेक्शन, मतलब रियलिटी ऑफ इंडियन इलेक्शंस टू बी ऑनेस्ट। और ये चीज पहले अधिक होती थी, अब भी होती है, बट पहले ये बहुत ज्यादा होती थी, बिकॉज इंडियन पब्लिक वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थी और उनको थोड़ा भी लोभ लालच कुछ भी दे दिया जाता था, वो सोचते थे चलो कुछ टाइम के लिए कुछ तो राहत मिलेगी, उस राहत के चक्कर में वो अगले 5 साल को भूल जाते थे और वोट वहीं देते थे जो जहां हमेशा देते आए हैं, जात धर्म उन्हीं के आधार पर वोट मिलते थे। तो मतलब बेसिकली वो जो राइटर है सीताकांत महापात्रा जी, क्योंकि तो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको रियलिटी ढंग से पता थी, ओडिशा की बहुत कंडीशन ढंग से जानते थे, तो उस जमाने की बात वो बता रहे हैं। और उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से कविता कही है कि भाई लोगों की कंडीशन कितनी बुरी है, बेचारे भूख से तड़प रहे हैं, उनके बच्चे खत्म हो गए भूख से, है ना, उनको रियलिटी पता है और इन प्रचार करने वालों को भी ये रियलिटी पता है, उसके बावजूद भी ये अपना काम करते हैं, वही काम करते हैं जो हमेशा करते आए हैं, और लोग भी वही काम करते हैं जो हमेशा करते हैं, इन्हीं को वोट देते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपनी पोएम थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। बाकी इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच होंगे, क्रिस क्रॉस, ये क्रिस क्रॉस में क्या है, इसमें एलिट्रेशन भी है, और अच्छा एलिट्रेशन स्पेलिंग गलत लगती है, एलिट्रेशन है इसमें, प्लस इसमें असोनेंस मतलब कॉन्सोनेंस भी है। ठीक है, एलिट्रेशन कैसे, का रिपीटेशन हो रहा है जो कि व्यंजन साउंड है वर्ड के स्टार्टिंग में, है ना, और कॉन्सोनेंस कैसे है, इसमें इस तरह से कॉन्सोनेंस है कि पहला शब्द तो कॉन्सोनेंट साउंड का आ रहा है क, परंतु उसके तुरंत बाद वोवल साउंड बदल रही है, क्री ई और क्रो ओ, क्रिस क्रॉस, ई और ओ, यानी ई और ओ ये वोवल साउंड बदल गई है, इसलिए कॉन्सोनेंस भी यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच है नहीं, आती तो मेरे से नोटिस मार जाती, ठीक है, बट फिर भी कुछ होगी तो मैं जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और बता दूंगा, जैसे चीप चीपर चा चा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिशियन है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।